प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों आज हम बात करेंगे चाइल्ड राइट्स पे, ठीक है? यस सर। तो बच्चों के भी हकूक होते हैं, ठीक है? यस सर। आपने बहुत सारे राइट्स के बारे में सुना होगा, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, है ना? यस सर। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 हमारे बुनियादी हकूक हैं, वो आपने पढ़ा होगा, है ना? यस सर। तो इसी तरह से चाइल्ड राइट्स भी होते हैं, जो बच्चा है, बच्चा और होता है, ऐसा आदमी जो 18 साल से नीचे की उम्र का है उसको हम चाइल्ड कहते हैं कि वो बच्चा है, ठीक है? Yes. तो हमारे पाकिस्तान की एक लड़की थी मलाला यूसुफजई, उसने बच्चों की जो लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन के लिए काफी जद्दोजहद की थी, बहुत स्ट्रगल की थी, तो उनको 2014 में अवार्ड मिला था, ठीक है? हमारे हिंदुस्तान के कैलाश सत्यार्थी जी थे, उन्होंने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट बहुत बड़ा काम किया था कि बच्चों को लोग मजदूरी पे लगाते हैं, वो भी 2014 के अवार्डी थे। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने बच्चों के राइट्स पे काम किया है। तो बच्चों का जो पहला राइट है, राइट टू पेरेंटल केयर, कि जो माँ बाप हैं वो बच्चों की क्या करें, केयर करें। हम अपने गाँव में देखते हैं कि बड़े सारे लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते, ठीक है? कोई शराब पीता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और बच्चों को जो है वो उनको काफी पेंसिल पेन लेने के लिए पैसा नहीं देता है, जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं देते हैं। तो हमारा फर्स्ट राइट जो है, राइट टू पेरेंटल केयर, ठीक है? जो माँ बाप है वो बच्चों का ध्यान रखें। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो बच्चों का जो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि बच्चों को कोई पैसों से महरूम नहीं रख सकता है, उनका कोई नाजायज फायदा नहीं उठा सकता है, ठीक है? बच्चों को हजारियस वर्क पे नहीं लगाया जाता है कि जाओ और आप कमाई करो और हमें भी दो और खुद भी खाओ। नो, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, एल्डर्स इन द सोसाइटी, इवन गवर्नमेंट्स, जो सरकार है उसकी भी जिम्मेवारी है कि वो बच्चों को क्या करे, कि हर जो सुख सुविधा है वो प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। बच्चों को कोई सेक्सुअली हरास ना करे, छोटे बच्चों को लोग क्या करते हैं, सेक्सुअली हरास करते हैं, ठीक है? Yes. तो ऐसा नहीं करे, उनका नाजायज इस्तेमाल ना करे, बच्चों का पूरा हक है कि वो उसके उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। तो लास्ट है फोर्थ है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो इस पे हमने वो क्या बोलते हैं अपनी असेंबली भी की थी, है ना? इसको आप समझते हैं कि 2009 में बच्चों के लिए एक राइट बना था कि सरकार उनको क्या करेगी,